नमस्कार, आज आपसे बात करूंगी कान से निकलने वाले मवाद के बारे में, योर डिस्चार्ज। वैसे तो योर डिस्चार्ज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज एक खास कारण के बारे में बात करूंगी। मैं आपसे बात करूंगी कान की इन्फेक्शन के बारे में, जिसकी वजह से पेशेंट्स कान से निकलने वाले मवाद से परेशान होते हैं। इस इन्फेक्शन को अंग्रेजी में ओटाइटिस मीडिया भी कहा जाता है, सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नाक और कान आपस में कनेक्टेड होते हैं। दोनों के बीच एक ट्यूब होती है, जिसे हम यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं, एक नली जो दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। इसलिए नाक में कोई भी इन्फेक्शन होती है, किसी किस्म की कंजेशन होती है, तो उसका असर कान के मवाद के द्वारा देखा जा सकता है। हो सकता है कि नाक की कंजेशन होने की वजह से उस ट्यूब में किसी किस्म की ब्लॉकेज हो, कंजेशन हो, जो आपस में नाक और कान को कनेक्ट करे और इस कारण कान में भी मवाद बन जाए और वो छेद के द्वारा बाहर आए। आज मैं आपको बताना चाहूंगी अपने एक पुराने पेशेंट के बारे में, जिसके कान से मवाद आया करता था। मोहन बहुत दूर से मेरे पास आया करता था। आप हमेशा अपनी कान की तकलीफों के बारे में बताया करता था। साल में कम से कम 2 या 3 बार मुझे दिखाने आया करता था और हमेशा कहता था कि डॉक्टर साहब, मेरे कान से मवाद निकलता है। सिर्फ एक ही कान से मवाद आता था, लेकिन जब आपकी दवाई खाता हूँ ठीक हो जाता हूँ। गर्मियों में ये समस्या मुझे ज्यादा नहीं होती, पर जैसे ही मौसम बदलता है, गला खराब होता है, खांसी जुकाम होता है, तब भी मवाद आना शुरू हो जाता है। फिर मैं आपके पास आता हूँ, दवाई खाता हूँ और ठीक हो जाता हूँ। कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं तालाब में नहाने चला गया और उसके बाद मवाद आना शुरू हो गया, बाकी समय मवाद नहीं रहता है। सुनने में परेशानी जांच करने पर पाई गई थी, पर क्योंकि उसका दूसरा कान बिल्कुल ठीक था तो ज्यादा तकलीफ उसको सुनने से नहीं थी, पर मवाद से बहुत परेशान रहता था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि मोहन, तुम्हारी जांच की है और जांच में मुझे लगा कि तुम्हारे कान में छेद है, कान के एक पर्दे में छेद है, तो इसका ऑपरेशन तो होता है, तुम ऑपरेशन करवा लो और ये इस बात का ध्यान रखना कि तुम ज्यादा ठंडी खट्टी चीजें ना खाओ और कान में खासकर पानी मत जाने दो। तो मोहन ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, अभी तो आपकी दवाई से ठीक कर हो जाता हूँ, अभी कोई इमरजेंसी लगती नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, छुट्टी लेकर कभी आऊं तो ऑपरेशन भी करवाऊंगा। मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि उस समय मुझे नहीं लगा कि वो ऑपरेशन कोई इमरजेंसी था। छुट्टी लेकर वो अगले साल मेरे पास आया, उसके कान का पर्दा मैंने रिपेयर किया सर्जरी करके और आज मोहन बिल्कुल ठीक है। जो ध्यान एक सर्जरी के बाद रखना चाहिए था, वो सब मैंने उसे समझाया। मैंने कहा कि अब ध्यान रहे कि कान में बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए, ठंडी खट्टी चीजें मत खाना और कम से कम 3 महीने तक कोई भारी सामान मत उठाना, ताकि नया पर्दा जो लगाया है उसके हिलने का खतरा ना हो। मोहन ने इन सब बातों का ध्यान रखा और मुझसे एक सवाल पूछा, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैम, रुई तो हमेशा लगाता हूँ, कान में पानी जाने से कैसे रोकूं? कुछ समय तो मैंने उसे कहा कि एकदम ऑपरेशन के बाद सर ना धोए, पर कान की जो रुई है वो पानी चाहे खींचे, उस रुई में थोड़ा सा वैसलीन लगा लीजिए। अगर रुई में वैसलीन लगी होगी तो पानी अंदर नहीं जाएगा। इस बात का ख्याल उसने रखा और मोहन आज बिल्कुल ठीक है। जो थोड़ी बहुत दिक्कत सुनाई में थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है। उसे सेफ CSOM था, सेफ प्रकार का क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। सेफ ऐसी तरह की इन्फेक्शन है कान की, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बताएंगे। कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सेफ है या अनसेफ है। इस इन्फेक्शन से कान के पर्दे में छेद तो हो सकता है, पर कान की जो हड्डियां हैं उनको गलने का ज्यादा नहीं देखा गया कि बहुत ज्यादा उनकी कान की हड्डी गल रही है, या कोई दिमाग की तरफ बीमारी फैलने का चांस नहीं लगता। तो हमें लगता है कि शायद कुछ समय रुककर भी अगर सिर्फ पेशेंट ध्यान रख ले, अपने कान में पानी ना जाने दे, ठंडी खट्टी चीजें ना खाए, तो कुछ समय बाद भी ऑपरेशन करा सकता है। लेकिन
यदि एक इमरजेंसी हो, हड्डी गलने वाली बीमारी जिसे कहते हैं अनसेफ CSOM, जिसमें पेशेंट को एक बदबूदार और खून वाला मुआद आता हो, सीटी स्कैन करने पर जो कंफर्म हो कि एक हड्डी गलने वाली कान की बीमारी है, उसका ऑपरेशन जल्दी कराना पड़ सकता है। बात करूंगी बबीता की। बबीता एक 7 साल की बच्ची थी, एक छोटी बच्ची जो जब मेरे पास आती थी तो मुझे उससे पूछने की जरूरत ही नहीं लगती थी कि कान से जो मुआद आ रहा है वो बदबूदार है या खून वाला है, क्योंकि जब वो मेरे पास खड़ी होती थी और मैं कान देखने लगती थी तो मुझे बदबू पहले ही आने लग जाती थी। यदि आपके कान का मुआद बदबूदार हो, उसमें से खून भी निकले और चाहे क्वांटिटी में बहुत ज्यादा ना हो, साथ साथ आपको बुखार हो, कभी कभी चक्कर आने के भी लक्षण हो, तो आप तुरंत डॉक्टर के जाइए। अगर उसे डाउट हो कि ये हड्डी गलने वाली बीमारी है तो डॉक्टर आपको सीटी स्कैन करवाने की सलाह देगा। आप डॉक्टर की सलाह पर सीटी स्कैन कराइए, कान का सीटी स्कैन, जिसमें कंफर्म हो जाएगा कि ये बीमारी हड्डी गलने वाली है। अगर डॉक्टर आपको तुरंत सर्जरी कराने की सलाह दे तो प्लीज आप तुरंत सर्जरी करवाइए, क्योंकि इस तरह की बीमारी से दिमाग को फैलने का खतरा और जान का खतरा भी हो सकता है। बबीता का ऑपरेशन मैंने तुरंत किया और आज बबीता ठीक है। कभी कभी ऐसे केसेस में सुनने की क्षमता पूरी नहीं होती, किंतु जान का खतरा टल सकता है। बबीता की सुनवाई तो पूरी तरह से वापस आई नहीं, पर उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि समय रहते उसने ऑपरेशन कराया और बीमारी दिमाग में फैलने से रुक गई। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपका मुआद चिपचिपा है, क्वांटिटी में ज्यादा है, लेकिन बदबूदार नहीं है, खून नहीं निकलता है, तो शायद चांस हो कि आपको अनसेफ प्रकार की बीमारी ना हो। फिर भी आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, वो आपको सलाह देंगे, पर आप कुछ समय ऑपरेशन के लिए रुक सकते हैं या कुछ परहेज कर सकते हैं पानी का। बट यदि आपको हड्डी गलने वाली बीमारी डॉक्टर बताते हैं, अगर बदबूदार खून वाला मुआद हो, बुखार हो, चक्कर आते हो, उल्टी भी साथ में हो, तो तुरंत डॉक्टर के जाइए। सीटी स्कैन पे ये बीमारी डायग्नोस होने के होते ही आप ऑपरेशन करवाइए। ऑपरेशन के बाद कुछ चीजों का ख्याल हमेशा रखना होगा। अगर नहीं भी हुआ है ऑपरेशन तो भी हमेशा जिसको भी कान से मुआद आता है वो इस बात का ध्यान रखें कि कान में पानी ना जाने दें। नाक और कान आपस में रिलेटेड हैं। जब कभी नाक की तकलीफ होगी, जुकाम खांसी होगी, तो कान की तकलीफ साथ आएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि ठंडी खट्टी चीजें मत खाइए। जुकाम की भी दवाई कई बार डॉक्टर साथ में देते हैं ताकि नाक की इन्फेक्शन ना हो। इन सब बातों का ख्याल रखिए और आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि कान के डिस्चार्ज और किन कारणों से हो सकते हैं। नमस्कार।